13.5 शुरू कराने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आयतन होता क्या है, यहाँ से आयतन वाला लेसन शुरू है। तो आप बता सकते हैं किसका शेप है? घन का, घनाभ का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है उसको हम घनाभ कहते हैं। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है उसे हम इसका आयतन कहते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे घनाभ का आयतन। तो आपको इसमें पहले सबसे पहले देखना होगा माचिस की डिब्बी की माप। माचिस की डिब्बी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें होती है 4 सेंटीमीटर, एल होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई इसके आगे वाली माप इसकी चौड़ाई होगी 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका आयतन निकालना है, तो आयतन बी बराबर हो जाएगा इसका मानक को इसमें 4 × 2.5 × 1.5 घन सेंटीमीटर। अब इसमें 3 बार एल बी एच की गुणा होगी तो इसका मात्रक सेंटीमीटर की घात 3 होगी। तो आप गुणा कर लो इसमें 2.5 की अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 100.0 10 आया इसका मान 10, और 1.5 इसको ऐसे लिख रहे हैं यानी 15 घन सेंटीमीटर। इससे आया ना 15 घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन है। और तुम्हें क्या निकालना है, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन, 12 से हम इसमें गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 12 × 15, गुणा करके बताओ कितना आएगा, 180 सेंटीमीटर की घात 3। तो इस तरह के सवाल करने हैं, घात 3 आएगी, हाँ, क्योंकि आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऐसा सेकंड वाला करोगे आप,